हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, ट्रेन से कोयला चुरा के तो भाई यशी से जाके टल्ली में और सीधा पुलिस स्टेशन अगले पहुंचे रातों रात। अब आगे देखते हैं, अब आगे होता है क्या। तो कड़ौन करते हैं, 3, 1 एंड स्टार्ट। बाबूजी, वेनिला ने दिया है। कौन है बे? अरे नंबी, इस बार 150 नए वोट आए हैं। वोटरों को सिर्फ हमारी अंगूठी का निशान याद रहना चाहिए। वही तो नहीं है सरपंच? तो फिर कल ही ढिंढोरा पिटवा देंगे बापू, और क्रिकेट मैच भी शुरू कर देंगे। देखना कि सभी खेलने वालों की उंगली में अंगूठी हो। एक भी वोट राजन्ना को नहीं जाना चाहिए। एक भी वोट। कैशियर की नौकरी, बार में कैशियर की कुर्सी से उस बुड्ढे को हटा देंगे। वो तेरी, अब वो किसी काम का नहीं है। यानी क्यों? क्रिकेट में जीतने वाले को बिठाएंगे, पगला जाएंगे सारे। एक बार अंगूठी पहन ली तो निकालने के लिए उंगली काटनी पड़ेगी बापू। मुझे, मैं भी ऐसी एक्सेप्ट कर जब तुम लोग। इस बार मैं खड़ा हूंगा बापू। ओ जालिम, इस गांव के सभी पंटर लोग कान खोल के सुन लो। पहले की तरह इस बार भी क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है। बड़े नंबी जी के नाम से खेले जाने वाले इस खेल में जो भी जीतेंगे वो 15 दिनों तक सिल्क बार में दारू से नहलाए जाएंगे। मतलब फोड़ दारू। जीतने वाली टीम में से एक बंदे को कैशियर की नौकरी दी जाएगी। इसीलिए छक्के चौके मारने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, बोले तो फोड़ डालेगा। और इनमें से एक बंदे को कैशियर की नौकरी दी साथ। हाँ दीदी, मेरे लिए अंडे कम पड़ते हैं, कल से 10 ज्यादा लाना। तू कितने खाता है जो कम पड़ते हैं? और बड़े बड़े बोल रहा है। अब घर पर रह, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुंह खोल। मुझसे पूछा गया? हाँ? ये पी, अगर रिश्ता अच्छा है तो तुझसे क्यों पूछूं? सुन, मैं सूरी से प्यार करती है, उसी से शादी बनाएगी। चुप कर, उसका नाम भी लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी। कल मुझे कही की लाइट बंद कर दी। तेरी हरकतें देखकर ही तेरा बाप ये रिश्ता लाया है, पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है। वेनिलाई है। गहरी अंधेरी रात में तू अकेले कैसे आई रे? कुछ पट्टू होते हैं जो अंधेरे से डर के बिस्तर ही गिला कर डालते हैं। ए, चुप रहे, इतनी रात को क्यों आई? कल मुझे लड़का दिखने आ रहा है, वो सिंगरेनी में नौकरी करता है। हैसियत के हिसाब से ही तेरी माँ रिश्ता पक्का करेगी, मुझे पहले ही मालूम था। ए, नल्ली की हड्डी क्यों बनती है खूसट बुढ़िया? देख, अगर उसे मैं पसंद आ गई ना तो माँ मेरी शादी उसी से करवा देगी। तेरी माँ का क्या, माँ की रट लगा रखी है? अपन को चाहती है ना तो माँ को जाके समझा, नहीं तो अपन के साथ चल, अब इस तरह से शादी कर लेता। ए, डाल रहे। बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, छोटे। अबे साथ वाले को भी देख ले यार, मुझे तो बेचारे को डर लग गई ना, तब तुझे मेरा दर्द पता चलेगा। कल अगर उसको पसंद आ गई तो खुदा ने खुद के चल देगी। यार बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पता नहीं लगने दिया उसने। ऐसा नहीं है रे, नानी का रिएक्शन लगा जा रहा है जब बोल रही थी। अब याद आऊं दे जरा। ए निकलते हैं, चल ना, चल यहाँ से। ओ, लगता है उसकी माँ की घर आई थी। क्या रे, चौखट तक आ गया? नहीं नहीं, चल चल। अब उन कहाँ तक आया जाने दो, वेनिला किधर है? और किधर होगी, अंदर सो रही है। घंटा सो रही है वहाँ, सूरी के साथ गुलू गुलू कर रही है। ये क्या बक रहा है तू? ये तो हमारा ही है। अब उनकी बात मान, दोनों की शादी करा दे।
अगर वो कमाएगा नहीं तो मेरी छोकरी को क्या खिलाएगा? इससे अच्छा तो मैं उसे कुएं में फेंक दूं, लेकिन मैं उसे अपनी छोकरी कभी ना दूं। तो तुम दोनों की शादी नहीं करवाएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ए, क्या हो रहा है यहाँ? नमस्ते मम्मी। धरनी वाकई चाहता शादी मुझे? नहीं करवाएगी तू? सवाल इच नहीं। सुनो, गौर से मेरी बात सुनो। सूरी और वनिला की शादी नहीं हुई तो इसी कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। देखो इसकी शान पट्टी देखो, ऐसे धमकी देगा तो क्या कोयला चुराने वाले को अपनी छोकरी दे दूंगी? आंगनवाड़ी टीचर है मेरी छोकरी, आंगनवाड़ी टीचर है वो। ऐसा क्या? चल इसकी, टूर्नामेंट का फाइनल हम ही जीतेंगे। वीरलपल्ली में सिल्क बार के कैचर की नौकरी सूरी को दिलवाएंगे, तब करवाएगी ना शादी। क्या बार कैशियर? अगर वो बार कैशियर बन गया तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान ही नहीं करूंगा, बल्कि उसके पांव धोकर उसी पानी को अपने सर पे डाल के नहा लूंगा। अब क्या बोलती है? ठीक है ठीक है, जात भी मिल रही है इसीलिए मान रही हूँ। यानी कि सूरी को कैशियर बनाएगा? कैसे? ए सूरी, वो मैच जीते वाले को शादी के लिए मान गए, पहले इसकी माँ मान नहीं रही थी तो इसी ने मनाया। और जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की है, क्या करे तू? एक और बात, सूरी पर आवाज नहीं उठाना। ये क्या कर रहा है? नहीं उठाना, जानती है क्यों? ये तेरा मर्द है। अरे अरे अरे, दोस्त है ना, जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उस धरणी को बार के पास आने को बोल। आ गया तू? भाई आपसे कैशियर की नौकरी की बात करी थी ना, धरनी आ गया है। ऐसे थोड़ी मिलेगी। हाँ पापड़ तो कुछ बेलना पड़ेगा। भाई अपने बुलाया? हाँ क्या रहा छोटू, सोना बॉल के धज्जी उड़ा रहा? बस क्या भाई। अच्छा अगर तू कल नहीं खेलेगा तो क्या होगा? और क्या होगा भाई, 5 ओवर में वाला और सब घर जाएंगे, साई कैशियर बन जाएगा। कल यही होना है, यही है नया कैशियर। बोलेगा कि नहीं? कल मैं जीतना ही पड़ेगा भाई, सूरी की शादी कराने का वादा किया है मैं। जरा सोच, तू साइकिल पर घर जाएगा, कोयले का डंपर टक्कर मारेगा, हाथ या पांव खो बैठेगा तो कल मैच खेल पाएगा? जितनी इज्जत माचिस को देते हो मुझे उतनी भी नहीं मिली। डरपोक कहीं का, डर गया, ये ले। अरे यार मतलब ये है कि अब वजाहत कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। यार उधर से उसने भी बोल दिया कि भाई तू नहीं खेलेगा। हाँ क्योंकि भाई जब बोला अगर तू नहीं खेलेगा तो क्या होगा, 5 ओवर में ऑल टीम आउट और घर ना तो हम हार जाएंगे। हाँ। कहता ऐसे ही होगा क्योंकि मैंने अपना कैशियर नया चुन लिया है। और कहता कि अगर तूने किया तो तू साइकिल पे जा रहा हो, घर जा रहा हो और तुझे कोयले वाला टैंकर मार दे तो भाई वैसे भी तू कल नहीं खेल पाएगा। तो बोलते हैं ऐसे, तू भाई कल हार ही जा तो बेहतर है। लेकिन यार सूरी का जो सीन है, सूरी का सीन है और उसकी लड़की कल लड़के वाले रिश्ता देखने आ रहे, और वरना अगर पसंद आ गया तो उसकी शादी उसके साथ हो जाएगी। हाँ और भाई उससे पहले कैशियर बनना लाजमी है सूरी का। और ये जो बड़े बड़े कुओं पे खड़े होके इसने बातें बोली है, अब पूरा मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, क्योंकि कैशियर का ऑनर ही बोर है कि पुत्र मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। हाँ। तो बात ही खत्म। और यार ये सीन दे और सारे अंगूठियां पहनेंगे क्रिकेट वाले मैच।
जिसके हमको मतलब सारा ए टू जी। हाँ और भाई जहां तक देखा जाए तो भाई सीन बड़ा इधर खतरनाक बन रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ होगा। अब दाव पर सूरी और भाई साहब वर्नेला की स्टोरी लगी पड़ी है। हाँ और जाहिर बात तो केशर बनेगा, नहीं तो वो जो कल लड़का आएगा उस पर दे देंगे। हाँ। और तुझे पता है कि धरनी जो है वो कुछ भी करेगा लेकिन सूरी को केशर बनाएगा। क्या करेगा वो ऑनर से जाके लड़ेगा, ये भी बड़ी बात है। और अगर कैसे इसने लड़ेगा, ऑनर ऑनर है भाई साहब, ऑनर ऑनर से लड़के वो करेगा क्या? और अगर इसने ना माना तो इसको साइकिल पे उड़ा देगा वो भाई साहब, पंगा दोनों तरफ से बना पड़ेगा। और या उधर से लड़की की जा दूसरे के साथ शादी होगी, अगर इसने किया तो इसको उड़ाएगा। वही ना, लेकिन अब ये तो आगे देखते हैं, आगे पता लगेगा कि अब आगे होता है क्या, स्टोरी कहाँ निकलती है। हाँ बाकी इधर ही बड़ा खत्म करते हैं।